अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां तव्हां सां हिकिड़ो नओं प्रोजेक्ट शेयर करे रही आहियां हिन पुराणी शइ जे ज़रिए। आज मैं एक नई चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पुरानी वुडन ट्रे है मेरे पास। ज़रूरी नहीं कि सबके पास पुरानी हो, आप बिल्कुल नई ट्रे भी लेकर यूज़ कर सकते हैं। और अगर ट्रे हो ही ना आपके पास तो आप इस तरह की कोई ट्रे कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं, ठीक है। सो ज़रूरी ना है तो नई ट्रे हुजे, पुरानी भी हुजे, प्लास्टिक जी हुजे या वुडन हुजे या न हुजे, त तव्हां कार्डबोर्ड मां अहिड़े क़िस्म जो कोई भी शेप ट्रे जो ठाहे सघो था, तमामु आसान आहे। त हिन खे मां अॼु कंदमि हिन जो मेकओवर ऐं हिकिड़ो नओं क्राफ्ट मां हिन जे मथां आज़माईंदमि, जेको मां पहिरियों दफ़ो करे रही आहियां, ठीकु है। कोई नई चीज़ मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहती हूँ, नया आर्ट मैं कोई बनाना चाहती हूँ, जो कि मेरा फ़र्स्ट टाइम है। मैं जानती हूँ कैसे बनता है लेकिन मैंने कभी किया नहीं। तो सबसे पहले इस पुरानी ट्रे पे हम लगाएंगे जैसो का एक कोट, ठीक है। ही जैसो आहे जेको बेस कोट ॾींदो आहे, ऐं अगरि जैसो न हुजे त तव्हां प्राइमर जेको हूंदो आहे पेंट बेसिक जेको कोट कबो आहे डिफरेंट शयुनि ते, भितियुनि ते ख़ासि तौर ते, तव्हां उहो बि करे सघो था, ठीक है। जैसो न हो तो प्राइमर लगाएं, प्राइमर भी न हो तो आप वाइट पेंट, एक्रेलिक पेंट वाइट कलर का लगा लें। ये है मेरे पास जैसो, और इसको हमेशा मैं इस स्टिक के साथ मिक्स करती हूँ, ठीक है। इनके रखण से इन जो लिक्विड ट्रांसपेरेंट मथा अची वो इनके मिक्स कर ज़रूरी है। इसको यूज़ करने से पहले ज़रूर मिक्स कर लें, ताकि वो जो ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर आ जाती है वो इसकी मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो अब ये सबसे पहले तो मैं इस पर जैसो का एक कोट करूँगी। वो जब कम्प्लीट ड्राई हो जाएगा, ठीक है, जैसो कोट करने के बाद जब कम्प्लीट ड्राई हो जाएगा, तो ये मेरे पास एक्रेलिक पेंट है। कोई भी शेड आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, ठीक है। मां हिन ते ही वो ग्रीन कलर थी करना चाहें, जैसो के सुकायण खां पो हिन जो मां हिकड़ो कोट कंदम हिन ट्रे ते, उन खां पो मां तां सां शेयर कंदम। छो त हिन में इलाही टाइम लगंदो प्रोसेस में, हिकड़ो कोट हिन जो जैसो जो सुकी वञे, पो बियो पेंट जो कोट सुकी वञे, ठीक है। तो ये जैसो के कोट को सुखाने के लिए टाइम चाहिए, फिर ऊपर में ये पेंट करूँगी इसके ऊपर तो वो भी टाइम चाहिए। दूसरी बात ये कि ये वाइट बेस लगाना क्यों ज़रूरी है, चाहे वो प्राइमर हो, चाहे वो वाइट एक्रेलिक पेंट हो या जैसो, वो इसलिए ज़रूरी है कि ये इस ब्राउन शेडेड और फेडेड ट्रे पे अगर आप डायरेक्ट पेंट करेंगे कोई भी कलर, तो वो इक्वल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो कहीं से वो डार्क होगा, कहीं से लाइट होगा, इसलिए ज़रूरी है कि बेस कोट पहले होना चाहिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका। उसके बाद उसको कम्प्लीट ड्राई करने के बाद एक्रिलिक पेंट का एक कोट होना चाहिए। अब जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, पेंट मेरा सूख जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। ये कंप्लीट ड्राई थी चुका, ठीक है। ये इसको जैसो का कोट करने के बाद मैंने इसको पहले ड्राई किया, फिर मैंने जो है ये पेंट का, एक्रिलिक पेंट का, ये मेरी पसंद का शेड मैंने इस पर लगाया है। अब ये दोनों कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं। अच्छा, अब हम इस पर करेंगे वार्निश, ताकि ये सील हो जाए, और उसके बाद ये वॉशेबल रहता है कि उसको हम गीले कपड़े से साफ़ भी कर सकते हैं और कलर जो है वो सील हो जाता है, ठीक है। असां कंदा से वार्निश हिकड़ो त हीअ आहे मूं वटि डिकोपाज जेको आहे सीलर, इहो बि करे सघिजे थो अगरि हुजे त। ॿियो हे वार्निश हिकिड़ी क्लियर वार्निश, ठीक आहे, इहा कॉमन आहे स्प्रे वारी, ऐं ब्रश सां लॻाइण वारी वार्निश बि अवेलेबल आहे। जिस तरह की बि वार्निश आपके पास हो आप इस पर लगा सकते हैं। और मैं इसको जो है ये स्प्रे कर रही हूँ, और स्प्रे हमेशा खुली जगह पे करना चाहिए, अंदर नहीं। और स्प्रे करने से पहले उसको अच्छी तरह शेक करना होता है, ठीक है। वार्निश स्प्रे जी आसानी सां थी वेंदी आहे स्प्रे, ऐं हिनखे शेक करणु घुरिजे ज़रूर। त हिनखे खुलल एरिया में स्प्रे करे पोइ मां तव्हां सां शेयर कयां थी। ट्रे खे जेको आहे वार्निश करे मां छॾे आई आहियां ॿाहिरि, ट्रे को मैंने रख दिया है ॿाहिरि वार्निश के बाद। और यहाँ पे मुझे चाहिए कुछ बटन्स। ट्रे की जो हम बेस बनाएंगे वो बनाएंगे हम बटन्स के, तो कुछ ये मेरे बटन्स की कलेक्शन है और बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, ठीक है। सो बटन कलेक्ट करने जो मुझे इलाही शौक़ है, मैं चाहें थी तो हिन में मां कुछ ये ॾिसो ये सारा बटन हैं, प्लस से कुछ मूं वटि नंढा भी आहिनि, ॿिया बि आहिनि, पर मुंहिंजी ज़रूरत जे लाइ इहे काफ़ी, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ साइज़ के हमें बटन्स चाहिए होंगे इस काम के लिए, क्योंकि उसकी ट्रे की हम बेस में लगाएंगे। तो कुछ तो बटन्स ऐसे हैं कि जो मैं लाजमी तौर पे रखना चाहती हूँ कि उसमें वो यादगार बन के रहेंगे,
क्योंकि वो फिक्स हो जाएंगे ट्रे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगी। और तरीका ये होगा कि हम पहले कुछ बड़े बटन्स रखेंगे और जहाँ पे जगह कम होगी वहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे बटन्स हम बीच में चिपकाएंगे और ये हम ग्लू करेंगे यूज़ क्राफ्ट ग्लू। इसके साथ हम उसमें जो है वो उनको फिक्स कर देंगे। छोटे बड़े हर साइज़ के डिफरेंट किस्म के बटन्स आप लगा सकते हैं। तो अभी ये करने वाली हूँ मैं और आपके साथ 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 शेयर होता जाएगा। और ट्रे का मैं वेट कर रही हूँ ताकि वो प्रॉपरली जो है वो ड्राई हो जाए। ठीक है, जी मुझे ट्रे सुकंदी थी असा उन कम शुरू कंदासीं न ढेर सारन मुख्तलिफ़ किस्म के बटणन सा असा सजा उन बेस में चिंबड़ाईंदासीं। ट्रे जिका बिल्कुल ड्राई थी वया असा हन जी बेस में स्प्रे कोन कयो हसे। बेस पे हमने वॉर्निश नहीं किया था, हमने सिर्फ इसके जो है वो चारों तरफ किया था अंदर और बाहर से इन दीवारों पे। अभी हम इस ग्लू के साथ इसमें बटन्स जो हैं वो सेट करना शुरू कर देंगे, लगाना चिपकाना शुरू कर देंगे। और इस तरह के जो बटन हैं ऐसे ये तो इसमें नहीं लग सकते। ठीक है, हेड़ा बटन कोने लगना फ्लैट बटन ये जो सीधा हो जन। अब ये देखें इससे ये है, इसको मैंने चिपका दिया। ठीक है, अभी तो ये कोने में है शायद आपको नज़र नहीं आएगा। सो ये अड़ी तरह सा डिफरेंट किस्म जा बटन माहिन में हणदम। पूरी ट्रे को मैं भर लूँगी, जहाँ जहाँ पे स्पेस कम होगा वहाँ पे फिर मैं छोटे बटन भी लगा लूँगी साथ साथ ताकि वो जो है वो फिल होती जाए जगह। ठीक है, ये इस तरह के बटन्स भी हैं, हर तरह के बटन हैं। तो कुछ बटन लगाने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप ये देख लें। इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे इसको, थोड़ा सा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हेतरो पार्ट मैंने जो कवर करी है, ये इतना पार्ट मैंने इसका कवर कर लिया है। और जैसे ये मेरे पास हार्ट वाले बटन थे, ये मैं चाहती हूँ ये इसमें फिक्स हो जाए, सील हो जाए। ये फूल वाले बटन हैं, स्टार है मेरे पास एक दो इस तरह के। तो इस तरह के जो खूबसूरत से बटन हैं तो उनको मैं यहाँ पर फिक्स कर रही हूँ। और उसके अलावा बिल्कुल छोटे से ये टाइनी बटन आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी स्पेस को फिल करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो अड़ी तरह से मैं सब बटन जो थोड़ा डिफरेंट शेप जहाँ जो इतने मैं चिंबड़ाए चुकी आया तो इन सजी ट्रे के मुख्य कवर करण इन में मुख्य काफ़ी टाइम लगन वो इन करे मां हाँ ये कंप्लीट करण का शेयर कदम यानी मैं सजा बटन लगाए वजा उन तेखारा थी। सारे बटन लगाने के बाद मैं आपके साथ इसको शेयर कर लूँगी। ट्रे मुझे कंप्लीट थी वया, ये देखें इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अगर छोटे बटन ना हो तो छोटे से कोई बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी अभी जो है छोटे से गैप हैं लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया क्योंकि फिर वो बटन्स जो हैं वो विजिबल नहीं रहेंगे, पूरा एक लेयर बन जाएगा। ठीक है, सो ये डिफरेंट किस्म जा ये आखिर में मुख्य मिला गुल याद आया तो ये भी आया हे एकड़ो नंढो गुल हिकड़ो हे डार्क कलर जो बटन तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के बटणन से मैं इनके कंप्लीट मां क्राफ्ट ग्लू जका तांके देखारी वा यूज़ कई ट्यूब वारी। तां चाहो तो वाइट ग्लू सा भी हणी ता सको। ठीक है, इसको हम वाइट ग्लू से भी चिपका सकते हैं बटन्स को। अब ये हमारा सारा वॉर्निश हो चुका है पहले से ही, इस पर अभी हमें काम करना है। और यहाँ से शुरू होता है वो मरहला जो मैंने आपसे कहा कि एक नया आर्ट आज मैं ट्राई कर रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सो इन के रखूँ था साइड से। मैं काम कर रही हूँ आज रेजिन के साथ, ये देखें आप। ठीक है, रेजिन, ये रेजिन है जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में है और ये इसका हार्डनर है और इन दोनों को एक साथ ही यूज़ किया जाता है हमेशा। और रेशो ये होता है कि तीन हिस्से रेजिन के, एक हिस्सा हार्डनर का। ठीक है, तो अभी इसके तीन हिस्से मैं कैसे करूँगी। अच्छा, मुझे इतनी क्वांटिटी में चाहिए जितना ये सारा मैं इस ट्रे की बेस में डालूं तो वो कवर हो जाए। मैं एतरो ठाईंदम जितरो इन ट्रे जी बेस में विझा ते सजो कवर थी वने। ठीक है, उन जे लिए मैं एकड़ो कंटेनर अड़ो प्लास्टिक जो आम दबो सभी घर में हुंदा हैं एकड़ो स्पून खाया हुआ तो मां जो सभी का पैर तो मां ही कढ़ा थी रेजिन। इसको मैं नाप के निकाल लूँगी, नापना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास किचन का स्केल हो तो उस पर भी आप वज़न करके भी डाल सकते हैं। मैं स्पून से डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो रेशो दिसो इन जो रेशो जो है वो घट वध न थियन घुर्जे। ये एक चम्मच
और अंदाजे से, क्योंकि बहुत थिक है ये, तो थोड़ा सा मसला हो सकता है हमारे नाप तोल में। और जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे ना दोनों पार्ट्स को, तो इसको हमें फौरन यूज़ कर लेना है। 3 चम्मच लिए मैंने, मैं ये टोटल ले रही हूँ 6 चम्मच, यानी डबल। तो हार्डनर के भी जो हैं वो मैं 2 चम्मच डालूंगी इसमें, ठीक है। ये 6 चमचा मां खणा थी हिन जा रेज़िन जा, हार्डनर जा मां खणंदमि 2 चमचा, छो त 3 हिस्सा रेज़िन ऐं 1 हिस्सो हार्डनर विझणो आहे। हिन खे टाइटली बंदि करे रखणो आहे, जेको बचंदो, जो बच जाएगा उसको अच्छी तरह से बंदि करके रखना है, ठीक है, ताकि ये ड्राई ना हो, सूखे नहीं। इसको मैंने टाइटली बंद कर दिया है और अब इसमें शामिल करूंगी मैं इस हार्डनर के 2 हिस्से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 और ये 2। अब इसको मिलाना है हमें इतनी अच्छी तरह, कम से कम 12 से 15 मिनट, ठीक है, 12 खां 15 मिंट असांखे हिनके कंटिन्यू मिलाइणो आहे। इसको मिलाना है बहुत अच्छी तरह से। अगर ये ठीक से नहीं मिला तो समझें कि ये सारा प्रोजेक्ट जो है आपका ज़ाया हो गया। तो 12 से 15 मिनट मैं इसको मिक्स करूँगी। इसके अंदर बबल्स भी आ रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए, वरना वो बबल जो हैं वो इसमें सील हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ सूखने के बाद हो जाएगी बिल्कुल हार्ड। तो इसको जो है वो, इसके अंदर कोई बबल नहीं रहना चाहिए। तो अभी मैं इसको 12-15 मिनट मिक्स करूँगी। प्लास्टिक का जो स्पून था वो मैंने हटा दिया, क्योंकि वो बहुत साफ़ था, तो उसके साथ जल्दी जल्दी ये मिक्स नहीं हो रहा था, तो मां हटाए छोड़ो आ प्लास्टिक जो चमचो, छो तो नरम हो तो बिल्कुल मुड़ी पे वे, बार बार चिबो पे थी वे। मां स्टिक सा, वुडन स्टिक सा इनके मिक्स थी कया। इन में बबल्स वो भी ठही रहा है, मुझे ना खबर छो ठही रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ख़ुद ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, तो जो कुछ मैं सीख रही हूँ साथ साथ वो आपको भी बता रही हूँ। तो प्लास्टिक स्पून जो था वो सॉफ्ट था, तो मैंने छोड़ दिया इसको। कंटिन्यू 6-7 मिनट हो गए हैं कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा मेहनत का काम है, और फिर ज़ाहिर बात है कि मेहनत का जो सलाह होगा वो भी बहुत अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इसको मैंने 12 मिनट मिक्स किया है, 12 मिनट मैंने के मिक्स करवा अही मिक्सचर ठाहे करे रखी न छड़बो, ठीक है। इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद सख्त होना शुरू हो जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता करके अब इसको मैं इसके ऊपर डालूंगी, और इस तरह से डालना है कि ये पूरा जो है इसके साथ कवर हो जाए। अब मुझे नहीं पता, अंदाज़ा नहीं है मुझे कि ये पूरा जो है इसमें मुकम्मल जो हो जाएगा या नहीं होगा इतनी क्वांटिटी में। इसको मैं इस स्टिक के साथ फैला रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरे को कवर करना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा और भी बना लूँगी। इसको इस तरह से हम फैला देंगे। ये मेरा पहला तजुर्बा है आप लोगों के साथ साथ, ठीक है। कोनों में ज़रा ज़रा सी जगहों पे स्टिक के साथ इसको पहुंचा देना है, ताकि हर जगह अच्छी तरह से कवर हो जाए। हाँ, इनके मां पूरो कवर कर छोड़ो, इसको कवर कर लिया मैंने अच्छी तरह से। मुझे 3 स्पून और डालने पड़े थे, क्योंकि वो जो मैंने पहली बार में बनाया वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, ठीक है। और इसके ऊपर इतनी मोटी लेयर लगानी है कि, क्योंकि बटन कुछ पतले थे कुछ मोटे थे, ताकि वो सरफेस जो है वो बिल्कुल इवन इक्वल हो जाए। तो अब ये हो गया है कम्प्लीट। अब ये टाइम लेगा 24 घंटे ड्राई होने में, ठीक है। ये कंप्लीट थी वो एकड़ो फुल लेयर इन मथा असके हणो आ, जैमें ये सरफेस इन सीधी थी वे, छो तो बटन घट वध हुआ, नंढा वड़ा हुआ, सन्हा थुला हुआ, तो ये जो थोड़ा उन हिसाब से हेठ मथे थो, तेजे करो फुल लेयर हणो आ इन मथा, तो जी ये प्रॉपरली जो सीधो थी वे सरफेस। 24 कलाक इनके रखे सुकण के लिए। ये कुछ बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रही, वो आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, कि इसमें अभी जो बबल्स बन रहे हैं थोड़े थोड़े से कहीं से, क्योंकि ये नीचे से खाली है ना, इसमें सुराख भी है, तो कहीं कहीं से वो बबल्स निकल के आ रहे हैं।
तो वो मैं स्टिक के साथ उनको मैंने बहुत सारों को तो फोड़ के तोड़ के छोड़ दिया। इसको 24 घंटे सुखाना है। इसको काम करते वक्त ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी होता है, मैंने नहीं पहने क्योंकि ग्लव्स पहन के मेरे मुझसे काम नहीं होता, लेकिन फिर ये एहतियात करनी है कि आप अपने हाथ ख़राब नहीं करें, ये उतरना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और इसको ऐसी जगह पे हम रखेंगे ड्राई होने के लिए जहाँ पे हवा नहीं लगनी चाहिए, कोई मिट्टी, कोई डस्ट, कोई चीज़ ऐसी इसमें नहीं गिरनी चाहिए, वरना वो भी इसके साथ ही इसमें सील हो जाएगी, ठीक है। तो एहतियात सा रखनो आ, ट्रे बिल्कुल ये सीधी हुजे, जिते ट्रेडी वेडी न थे, पासीरी न थे, तो जो शेप ना ख़राब थी वने, इन में का डस्ट, कोई पार्टिकल्स, कोई अड़े किस्म की का शे में न किरे या बार इनके टच न कन, इनके एहतियात से छड़े रहना। तो अब तक का ये प्रोसेस है, 24 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक क्या आ रहा है। ये मेरा पहला तजुर्बा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मेरी बहुत कोशिश के बावजूद इसमें छोटे छोटे से बबल्स मिक्स करने के दौरान बन चुके थे। मैं कोशिश करूँगी कि इस चीज़ को इम्प्रूव करूँ और फिर आपके साथ कोई और प्रोजेक्ट शेयर करूँ। तो ये कल तक के लिए, मैं आने वाली कल तक के लिए छोड़ रही हूँ इसको, और फिर मैं फ़ाइनल रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी। पूरे 24 आवर्स का वो ये कंप्लीट ड्राई थी चुको आ, बिल्कुल परफेक्ट इन जी सरफेस आ, पर मां इनके पांजो 90% कामयाब तजुर्बो चवंदमि। ये इस अपने प्रोजेक्ट को मैं 90% सक्सेसफुल समझती हूँ, क्योंकि इसमें जो हैं वो बबल्स आ गए हैं जो के रह गए हैं। तो पहली दफ़ा के हिसाब से तो मैं खुश हो रही हूँ, लेकिन ये कि ये परफेक्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह इसको मैं इम्प्रूव करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। हमेशा चवंदी आहियां प्यार सां कमु कयो, पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यार कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो। वरी कंहिं ॿी सुठी वीडियो सां कंहिं कम जी शइ सां मिलंदासीं। तेसि ताईं इजाज़त ॾियो, अलाह वाहिगुरु।